नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कुछ लोग लाइफ में इसलिए असफल नहीं होते कि वो फेल हो जाते हैं। उनकी असफलता का रीजन है कि एक दो फेलियर के बाद, कुछ सेटबैक्स के बाद वो गिव अप कर देते हैं। देखो आज आपको जो ये टेक्नोलॉजी दिखती है, कुछ भी आप मान लीजिए, लैपटॉप, मोबाइल, क्या आपको लगता है कि क्रिएटर्स ने अपने पहले अटेम्प्ट में इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है? नहीं किया है। ना जाने कितनी बार फेल होने के बाद आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से पता है। 2000 बार फेल हुए थे थॉमस एडिसन, इससे पहले कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने एक अटेम्प्ट में इस बल्ब का आविष्कार नहीं किया है, 2000 बार जो मैं फेल हुआ वो मेरी सक्सेस का पार्ट है। एक बात आपको समझनी होगी, ये एक रेस है। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप इस रेस को कंप्लीट करने में कितना समय लेते हो, कितनी बार आप इस रेस में गिरते हो, कितनी बार संभलते हो, कितनी बार इंजरी होती है। मैटर यही करता है कि आप इस रेस को जीतते हो, आप इस पेपर को क्लियर करते हो। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बैटल्स आप हारते हो, फर्क यही पड़ता है कि इवेंचुअली आप युद्ध जीत रहे हो या नहीं। एक छोटा सा एनेक्डोट दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब हम लोग 9th क्लास में थे तो हमारा क्रिकेट मैच होता था 10th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, और हमारे स्कूल की जो 10th क्लास की क्रिकेट टीम थी वो काफी अच्छी थी और हम हमेशा हार जाते थे। तो उस समय उतनी मैच्योरिटी नहीं थी। जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं हमारा मजाक उड़ाते थे, वो कहते थे देखो लूजर्स हमेशा हार जाते हो, इस प्रकार की वो बातें करते थे। और हमारी टीम के सदस्य भी रिलक्टेंट रहते थे, उनको लगता था कि यार इनसे खेल के क्या फायदा, हार जाते हैं हमेशा, इसलिए दोबारा मजाक उड़वाने से अच्छा है इनके साथ ना खेला जाए। लेकिन दोस्तों हमारी टीम में एक सदस्य था, नाम था पंकज। पंकज थोड़ा दिव्यांग था, वैसे हमसे भी ज्यादा एक्टिव था लेकिन दिव्यांग था। पंकज की एक बात दोस्तों मुझे हमेशा याद रहती है। हुआ क्या था, 10th क्लास की क्रिकेट टीम के द्वारा फिर से चैलेंज दिया गया हमसे और कहा कि हिम्मत है तो खेल के दिखाओ। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी टीम के सदस्य रिलक्टेंट रहते थे, उनका कहना था कि नहीं इनसे खेल के कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब डिस्कशन चल रही थी तो पंकज ने कही ये बात, इफ टुडे यू आर रनिंग यू विल ऑलवेज बी रनिंग। अगर आज आप सिचुएशन से भागोगे आप जिंदगी में हमेशा भागते रहोगे, और ये बिल्कुल सही बात है। इट्स नॉट ओवर अंटिल वी विन इट। जब तक कि पूरा खेल खत्म नहीं हो जाता है तब तक बात खत्म नहीं होगी, और इवेंचुअली हम उनसे जीते भी, 4-5 हार के बाद जीते लेकिन जीते। आप अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट करना बंद कीजिए। फेल आप नहीं हुए हो, फेल आपका तरीका हुआ है। आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कीजिए और फिर से अपने नाव की पतवार संभालिए और निकल पड़िए तूफानों की ओर। रात के टुकड़े पर पलना छोड़ दें, सबा को कहे कि जलना छोड़ दें, मुश्किलें तो हर सफर का हुसन है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे। आप बोलो कि फेलियर ने मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, आप बोलो कि फेलियर ने मुझे सक्सेस का भूखा बना दिया है, आप बोलो कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, अपने फेलियर से सीखूंगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं और ज्यादा स्मार्ट वर्क करूंगा, मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक मेरी ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो जाती।